दोस्तों, मैं सुनील कुमार, मैं अपने YouTube चैनल SRPEH में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक न्यू टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, कौन से डॉक्टर किस मरीज को देखते हैं। अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज है, किस कौन से डिजीज है, जैसे आप किसी को सर्दी खांसी है तो कौन सा देखेंगे, छाती में प्रॉब्लम है तो कौन सा देखेंगे, हार्ट का प्रॉब्लम है तो कौन सा डॉक्टर देखेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं विस्तार से। किस डॉक्टर से किस बीमारी को दिखाना चाहिए, अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज बहुत होना जरूरी है। आप पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, आप नर्सिंग स्टाफ है, चाहे आप रूरल डॉक्टर हैं, या हर एक पर्सन को ये चीज नॉलेज होनी चाहिए। हमें इस चीज की तकलीफ है तो हम किस डॉक्टर से मुझे दिखाना चाहिए, अच्छे से सलाह लेनी चाहिए उससे, ताकि आप सही जगह पर पहुंच के सही इलाज करवा सके, नहीं कि इधर उधर इलाज कराने में आपकी समस्या और बिगड़ जाती है उससे। तो हम बात करने वाले हैं किस डॉक्टर के स्पेशलाइजेशन में आपको क्या किस चीज का इलाज होता है और किस प्रकार से होते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। सब डॉक्टर्स में क्या क्या होते हैं उसके बारे में, अब दिल के डॉक्टर को क्या बोलते हैं उसको जानेंगे हम, आई के डॉक्टर को क्या बोलते हैं उसको जानेंगे, हम विस्तृत में जानकारी देने की कोशिश करेंगे आपको। तो हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोले तो जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो हृदय की जो गति होती है उसके डॉक्टर्स होते हैं। जो दिल में कोई और डिजीज है, ब्लॉकेज है, स्टेन लगा हुआ है, स्टेन लगना है, खून पतला करना है और कई प्रकार की होती है, जो कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर आते हैं। जो फिर आंख के डॉक्टर तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट बोले तो आई स्पेशलिस्ट होते हैं। आई स्पेशलिस्ट में कई ब्रांच होते हैं, सभी ब्रांच अलग अलग होते हैं। आपको ऑकोप्लास्टिक के सर्जन अलग होते हैं, रेटिना के अलग होते हैं, कैटरेट के अलग होते हैं, रिफ्रैक्टिव के अग होते हैं, न्यूरो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट अलग होते हैं, कई ब्रांच होते हैं जो अलग अलग होते हैं। दिल में जो होता है वो MD और MS दोनों होते हैं, जिस पर कार्डियोलॉजिस्ट में एक MD होते हैं जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, एक MS होते हैं जो उसके हार्ट की सर्जरी करते हैं, उसी प्रकार सभी ब्रांच में होते हैं। अब जानेंगे हड्डी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, जो हड्डी के डॉक्टर है बोन के डॉक्टर उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोपेडिक बोलेंगे। जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक। अगर जोड़ में दर्द है, गांठ है, आपको अर्थराइटिस है, किसी प्रकार की और समस्या है, चाहे आपको फ्रैक्चर हो गया है, चोट लगी है, हड्डी में पेन है, तो कौन देखेंगे, ऑर्थोपेडिक देखेंगे। चिल्ड्रन के बच्चे होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। बाल रोग विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। जो बच्चे का देख रेख करते हैं, बच्चे के डॉक्टर होते हैं, क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिशियन होते हैं। कैंसर को डॉक्टर को क्या बोलते हैं, कैंसर के डॉक्टर के बारे में जाने उसको क्या बोलते हैं। कान के डॉक्टर को क्या बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे। कैंसर के डॉक्टर को हम ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो कैंसर का इलाज करते हैं, जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो कैंसर का इलाज करते हैं। अभी बहुत ही गंभीर समस्या है कैंसर जो हो रही है, उसको ऑन्कोलॉजिस्ट देखते हैं। अब कान नाक और गले के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ENT के डॉक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ENT डॉक्टर बोलते हैं। डॉक्टर होते हैं जो कान नाक और गला देखते हैं, उसका ENT का मतलब हुआ एयर, नोज एंड थ्रोट, ये तीन चीज को देखते हैं, इसको बोलते हैं कान नाक गला रोग विशेषज्ञ। अब हम बेहोशी के डॉक्टर को हम एनेस्थेसिया बोलते हैं, एनेस्थेसिया जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं, एनेस्थेसिया बोलते हैं जो बेहोशी के डॉक्टर होते हैं। इनका काफी बहुत बड़ा रोल होता है, जो पेशेंट काफी अनकॉन्शियस होते हैं उनके लिए, जो कोमा में होते हैं उनके लिए, और जिनकी सर्जरी की प्रिपरेशन करना है, बेहोशी करना है, उसको हम बेहोशी के डॉक्टर बोलते हैं। अब औरत जो ओमैन है उनके क्या अनुसार डॉक्टर होते हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। जो गायनेकोलॉजिस्ट है महिलाएं के जो डॉक्टर होते हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। इससे क्या होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी आपके में इन्फ्लेटिक्स है उसके लिए, जो बच्चे हैं आपके पेट में गर्भधारण में है, वो कौन डॉक्टर देखते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे लीवर के डॉक्टर को क्या बोलते हैं हम, फिर दिमाग के डॉक्टर क्या बोलते हैं, ब्रेन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, इस दोनों के बारे में जानेंगे। लीवर के डॉक्टर को हम हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो हेमेटोलॉजिस्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीवर के डॉक्टर होते हैं।
अगर लीवर से कोई संबंधित समस्याएं हैं, अब जैसे हेपेटोमेगाली है, लीवर का इनलार्ज सनुप्लेशन होता है, इनलार्ज हो जाना, उसको कौन देखता है? हेपेटोमेगालोजिस्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे जो दिमाग के डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं, जो दिमाग के डॉक्टर हैं, जो ब्रेन के डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये दिमाग से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, चाहे आपको सर में चक्कर आ रही है, आधा सर दर्द कर रहा हो, चाहे किसी पूरे सर दर्द करती हो, शाम के समय में दर्द करती हो, कौन देखता है? न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। जो स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं और किडनी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, किडनी मतलब गुर्दे के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? जो स्किन के डॉक्टर होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और गुर्दे के डॉक्टर तो वो भी कई प्रकार के होते हैं। स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो स्किन के डॉक्टर से क्या होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। स्किन से संबंधित कोई भी समस्या है तो किसके पास दिखाना चाहिए? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब त्वचा रोग विशेषज्ञ हो गए, किडनी मतलब किडनी मतलब गुर्दा रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजिस्ट हो गए जो किडनी रोग विभाग जो कि विशेषज्ञ होते हैं, जो किडनी के बारे में ज्यादा विशेष जानकारी देते हैं, उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम जानेंगे दांतों को डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं। दांतों को डॉक्टर को हम डेंटिस्ट बोलते हैं, टिस्ट बोलते हैं, जो दांतों का इलाज करते हैं उसको डेंटिस्ट बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर क्या बोलते हैं? सर्जन बोलते हैं, इसको एमएस बोलते हैं। सर्जन जो जनरल सर्जरी करते हैं, जनरल सर्जन होते हैं, उसको एमएस बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे जो सामान्य डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सामान्य डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे। एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, यूएसजी, जो यूएसजी इस सब का रिपोर्टिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। जानवर को डॉक्टर को क्या बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे। अब डॉक्टर होते हैं वो फिजिशियन कहलाते हैं, जो सामान्य डॉक्टर होते हैं जो जनरल फिजिशियन कहलाते हैं। सामान्य डॉक्टर क्या कराते हैं? जनरल फिजिशियन दिखाते हैं। इससे क्या हम दिखाते हैं जनरल फिजिशियन से? तो सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, उसको किसको हम दिखाते हैं? चाहे छोटी मोटी जो वायरल फीवर्स हैं उसको किससे दिखाते हैं? फिजिशियन से दिखाते हैं। उसके बाद हम जानते हैं एक्सरे और सीटी और एमआरआई के डॉक्टर किसको बोलते हैं, तो उसको हम क्या सीटी एक्सरे एमआरआई और यूएसजी के डॉक्टरों को हम क्या बोलते हैं? रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रेडियोलॉजिस्ट, एक होते हैं सोनोलॉजिस्ट। सोनोलॉजिस्ट ये दो प्रकार के होते हैं, तो सोनोलॉजिस्ट से बेटर रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट का रिपोर्टिंग सही होते हैं, इसलिए रेडियोलॉजिस्ट होता है। सामान्य डॉक्टर के बारे में देख लिए, सीटी स्कैन एमआरआई एक्सरे और यूएसजी के बारे में देख लिए जो कौन कौन से डॉक्टर होते हैं। अब जानवर के डॉक्टर में जानेंगे वेटनरी कहलाते हैं, जो जानवर के डॉक्टर होते हैं वो वेटनरी के डॉक्टर कहलाते हैं। वेटनरी के डॉक्टर जो हमारे पालतू जानवर है उनका इलाज करते हैं, उनकी अलग अलग पोस्टिंग होती, अलग अलग प्रकार के पोस्ट होते हैं, उसका इलाज करते हैं। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा दे। अगर वीडियो आपको यूजफुल और जानकारीफुल लगे हो तो आगे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।